प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। यहां वे केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 27,000 दिव्यांगजन और बुजुर्गों को सहायता उपकरण बांटे। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकारी कार्यक्रम में एक साथ इतने उपकरण बांटे गए। इसी के साथ सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। पीएम मोदी प्रयागराज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 10:30 बजे बमरोली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए प्रयागराज की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आकर ऊर्जा का एहसास होता है। कुंभ की वजह से प्रयागराज की पूरी दुनिया में चर्चा हुई है। इसके बाद पीएम मोदी ने दिव्यांगों पर कहा कि दिव्यांगों की शक्ति उनका सामर्थ्य और धैर्य है। बांटे गए उपकरणों से दिव्यांगों को मदद मिलेगी। यहाँ भी पीएम मोदी पुरानी सरकार को कोसने से नहीं चूके। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिव्यांगों को पहले मदद के लिए भटकना पड़ता था। पहले की सरकार ने दिव्यांगों को बेसहारा छोड़ दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने 5 साल में 900 करोड़ से ज़्यादा उपकरण बांटे। रेलवे एवं एयरपोर्ट पर दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। प्रयागराज के बाद पीएम मोदी चित्रकूट पहुंचे, जहां वे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पूरे देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत भी करेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद दोनों जिलों में पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।